पिंपरी चिंचवड़ में पति पत्नी के झगड़े में बेटी को सजा भुगतनी पड़ी। पत्नी द्वारा पति से पैसों की मांग करने से नाराज क्रूर पति ने अपने 4 महीने के बेटे को जमीन पर फेंक दिया और उसे जान से मारने की कोशिश की। आरोपी का नाम दत्ता अनिल देशमुख है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। 4 महीने के बच्चे को पटका था। हम 4-5 जन इधर खड़े थे, सब लोग खड़े थे। मैंने बोला, फिर वो लोग के औरत लोग का चल रहा था कुछ, तो देखा उसकी औरत बच्चा मांग रही थी। तो हमने बोला, क्या है, कुछ झगड़ा कर रहे हैं? तो उसने दूसरे बार तो रेलवे में से ऊपर से ब्रिज के ऊपर से डाला था। एक समोसा वाला आया था, उसके कंधे पे से गिर के दूसरा वाला बच्चा बच गया। तो 1.5 साल का था और ये 4 महीने का था। हम उसके नजदीक नहीं जा रहा, ये भी पटकेंगे। हम नजदीक गए तो उसने गर्दन पे बच्चे के ब्लेड रखा। मैंने बोला, हम जाएंगे नजदीक तो वो खींच डालेंगे ब्लेड। तो उसके बच्चे के लिए हम थोड़े पीछे सर के 4-5 जन थे, हम सरदारी से सब 4-5, तो पीछे हो सर के हम मारेंगे करके। तो उसने उसकी बीबी ने उसके पास से खोसने को लगी तो वो ऐसा करा। तो बोले, तेरे को बच्चा मांगता है कि उसने डायरेक्ट ही फटका। बाकी जी सगळे आमचे मित्र ही होते, सगळे आमचे आई होते। ती करू नका, काही करू नका। ती आम्हाला वाटलं उगा धमकवतोय। पहिले भी त्यांनी काय केलेलं आहे, त्याचं एक लहान मुलगा होतं, त्यांनी त्या ब्रिज वरनं खाली रेल्वे ब्रिज मध्ये त्यांनी पहिले एक पोरगं टाकलेलं आहे। ती त्याचं एक मुलगा वाचलेलं आहे। आणि आता जी आहे त्यांनी पोराला उचललं आणि डायरेक्ट खाली आपटलं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभांगी देशमुख और दत्ता देशमुख दोनों की कुछ साल पहले ही शादी हुई थी। उन्हें 4 महीने का एक बच्चा भी है। कल शुभांगी ने अपने पति दत्ता देशमुख से खर्च के लिए कुछ रुपए की मांग की, लेकिन दत्ता को शराब पीने के लिए पैसे चाहिए थे। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और गुस्साए पति ने अपने बेटे को जमीन पर फेंक दिया। इस घटना में 4 महीने का बालक घायल हो गया है। पुणे से सुनील भोंगल, खबरदार।